जिसका उसने अनुभव किया तो वो आत्मा सुख स्वरूप है, ये इसमें बताया प्राज्ञम। विचार शून्यता जो है ये सुषुप्ति में विचार शून्यता यद्यपि आती है लेकिन ये सुषुप्ति में विचार शून्यता जाके अज्ञान में विलीन हो जाती है और अज्ञान का अनुभव होता है कि मुझे कुछ पता न रहा, तो न पता का पता उस समय अज्ञान का रहा। तो वही हम दूसरा दृष्टांत देते हैं कि एक थानेदार ने अपने सिपाही को आज्ञा दी कि तुम उस गली में रात को पहरा दो और यदि कोई मिले तो उसकी रिपोर्ट हमको सवेरे आकर दो। तो वो सिपाही रात भर पहरा देता रहा। रात भर पहरा देने के बाद जब वो सवेरे आया तो थानेदार ने उसे पूछा, क्यों तुमने रात को वहाँ पहरा दिया? कहाँ हुजूर पहरा दिया। कोई वहाँ था? बोले हम तो पहरा देते रहे, कोई नहीं था। का कोई तो रहा हुआ, कोई काला कुत्ता भी नहीं था। तो उन्होंने पूछा तुम थे कि नहीं थे? तो उसने कहा अगर मैं ना होता तो कोई नहीं था, इसको कौन जानता? तो नहीं कोई नहीं था, इसको जानने वाला तो कोई था। इसी तरह से सुषुप्ति में कुछ भी पता न चला, इसका पता चलाने वाला कोई तो था, वो आत्मा था। और उस समय उसने सुख का अनुभव किया, वो सुख जो है विषय जन्य था नहीं। इसलिए अन्यथा कोई भान न हो ऐसी अवस्था चुनी गई। तो यद्यपि सुख प्रत्यक्ष मात्मा आत्मा स्वरूप में सुख में हो विषय करो तथा भी अन्यथा सिद्धि शंका शून्यतया निर्दुख निर्दुखता आदि सिद्धार्थम च सुषुप्तकम प्रत्यक्षम उदाहरितम यस्मिन् एकीभूता सुषुप्तावस्थायां जीव उपाधि कालुष्याभावात् उपाधि के कालुष्य के अभाव से प्रकृष्ट प्रज्ञा भवति तस्मिन् प्राज्ञा भेद दशायां उसकी प्राज्ञा भेद दशा में इत्यर्थः समन्भूय स्पष्टमन्भूत भूय अन्यथा सुषुप्तार्थम कस्यापि प्रवृत्तिर् न स्यात् अगर वहाँ सुख का अनुभव न हो तो कोई सोना नहीं चाहेगा। तभी सुखम जन्य में हो कि न स्यात् कहते सुषुप्ति में सुख को जन्य क्यों नहीं मान लेते? बोले सब प्रकार से स्मृति रूपा अनुभव रूपा वा या विषय प्रतिपत्ति स्मृति रूपा या अनुभव रूपा विषय की प्रतिपत्ति उस समय नहीं होती तत्शून्य सुषुप्ते सर्वविशेष ज्ञानोपरम रूपत्वात् सुषुप्ति में सब विशेष ज्ञान की उपरम विशेष ज्ञान का उपरम होता है। इसलिए विषय ज्ञान बिना विषय ज्ञान के बिना सुख विषय ज्ञान के बिना सुख का जन्म हो नहीं सकता, आप लोग ऐसा मानते हैं। इसलिए न तथा आत्मा ही अन्य सुखम अस्थि इसलिए उस समय आत्मा में कोई दूसरा सुख नहीं है। अत देशे काले व सुखमित क्रिया विशेषणम यहाँ पर देश काल में सुख है ऐसा नहीं है। अनुसंधान स्मन नर्थात तदेव सुखम इत्यर्थ उसी का अर्थ कर रहे हैं। तस्य अनुसंधान स्वरूप से तन्यस्य सौख्यम ऐसे अनुसंधान के कारण स्वरूप चैतन्य में ही सुख निर्दुख नित्य सुखात्मत्व यद्यपि सुख महम स्वास्थ्य स्मृति न निर्दुखत्व व नित्यत्व कहते हैं जो मैं सुख से सोया ऐसी स्मृति जो है निर्दुखत्व व नित्यत्व नहीं है उसका विषय नहीं करती किंतु तद्बलात् उसके बल से प्राग सुखस्य निर्दुखत्वादि न सिद्ध्यति इसलिए उसके बल से प्राग सुख का
निर्दुखत यद्यप सिद्ध नहीं होता तथापि सुषुप्त अवस्थायाम अनुभूयमानम, सुषुप्त अवस्था में जो अनुभूयमान सुख है उसके बल से आत्मा में निर्दुखता सिद्ध होती है। इसलिए जब उठा तब मैं निर्दुख सोया ऐसा व्यवहार होता है। सुख सुषुप्तिकालीन जो सुख सामर्थ्य है उसके द्वारा ही आत्मा में नित्यत्व भी सिद्ध होता है। प्राग सुख प्रत्यक्ष सामर्थ्यात् प्राग सुख के प्रत्यक्ष की समर्थ आत्मा में निर्दुख, आत्मा जो है दुख रहित है, उस सुख का स्वरूप है, ये सिद्ध होता है। बस आज इतना ही। ओम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।